हेलो फ्रेंड्स, बैंगन की मसालेदार सब्ज़ी तो आप सब ने कई बार खाई होगी, पर इस बार मेरे इस टेक्निक से बनाकर देखिए तो ये बैंगन की सब्ज़ी आपकी फेवरेट हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बैंगन की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने हर बैंगन के चार टुकड़े करके कुछ इस तरह से काट लिए हैं। अब एक पैन ले लेंगे, उसमें कुछ मूंगफली के दाने लेकर हम उन्हें रोस्ट कर लेंगे। देखो ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनके छिलके निकाल लेंगे और इन्हें पीस लेंगे। अब हम सूखा नारियल यानी कि खोपरा लेंगे, दो टमाटर और एक प्याज लेंगे, प्याज के टुकड़े करके हम उन्हें पीस लेंगे और टमाटर के भी टुकड़े करके हम उसे पीस लेंगे। अब कढ़ाई लेंगे, उसमें 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए फिर उसमें राई डालेंगे, राई को पूरी तरह से तड़कने देंगे। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को थोड़ा चला लेंगे और जब प्याज लाल हो जाए फिर हम उसमें खोपरा डालेंगे, पीसी हुई मूंगफली डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे और इन सबको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर का पानी अच्छे से सूखने तक हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। आप देख सकते हो टमाटर का पानी पूरी तरह से सूख गया है, ऑयल भी दिखाई दे रहा है। अब हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे और स्वादानुसार नमक डालेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसमें बैंगन डालेंगे, मैंने सारे बैंगन डाल दिए हैं। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने बैंगन को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद हमें जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम पानी डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढककर हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए सब्ज़ी में तेल दिखाई दे रहा है। इसे हम थोड़ा सा चलाएंगे और फिर से इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें 2 चम्मच दही डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे। हम बैंगन को बाहर निकाल कर चम्मच से तोड़ के देखते हैं कि बैंगन नरम हुआ है या नहीं। ये देखिए बैंगन पूरी तरह से टूट गया है, मतलब बैंगन अच्छे से पक गया है। हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद अब इसे खोल के देखते हैं, बैंगन की सब्ज़ी तैयार है। ये देखिए सब्ज़ी का कलर कितना अच्छा आया है। आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।